असलकम आज 4 नवंबर 2024 को मैं वज़ी अजम इमरान ख़ान साहब से अडियाला जेल में मिला और उनका मैंने मुआयना किया दस हफ्ते गुजर चुके हैं जब से मैंने आखिरी दफ़ा उनको देखा था आज जब मैं मिला ख़ान साहब से तो वो बड़े पुरुद मुझे लगे और उनकी जनरल कंडीशन मुझे बहुत हेल्थी लगी उनको काफ़ी महीनों से अब एक तकलीफ़ है कि उनके कानों में कभी कभार आवाज़ आती है ख़ास तौर पर शाम को और रात को तो वो अभी भी कंडीशन चल रही है दवाई के बावजूद उसके अलावा एक जब से उनको नवंबर 2022 में उनकी ज़िंदगी पे हमला हुआ था और उनको गोलियां लगी थी टांग पे उसके बाद से उनको एक पाँव में थोड़ा सा एक जगह है जहाँ पे सेंसेशन नहीं है वो सुन हुआ वह है वो इलाका तो वो वैसे का वैसा ही है इसके अलावा खान साहब को इस वक्त कोई तकलीफ़ और नहीं है और वो बड़े सेहतमंद लग रहे थे जब मैंने उनको एग्जामिन किया अगेन वो बहुत फ्रेश लग रहे थे सुबह ही उन्होंने शेव की हुई थी और वो बड़े आ, हाई स्पिरिट्स में लग रहे थे मुझे उनका हार्ट रेट या दिल की धड़कन जो थी वो 50 बीट्स पर मिनट पे चल रही थी ब्लड प्रेशर उनका 110 सौ बटा सत्तर था और उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन एयर पे 98 परसेंट थी जो कि सारे बहुत सैटिस्फैक्ट्री uh, हैं उनका मैंने दिल का मुआयना किया उनकी छाती सुनी तो कोई और ऐसी आप नहीं मुझे नज़र आई सिवाय इसके के जो अंग्रेज़ी में हम मसल टोन कहते हैं कि जो मसल्स का जब आप उनको पट्ठों को हाथ से महसूस करते हैं तो उनकी एक सर्टन कंसिस्टेंसी या फीलिंग होती है वो मुझे पिछले दफ़ा से थोड़ी सी कम लगी थी और ये मेरे ख़्याल से इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों उनके पास सहूलियात नहीं थी आ, वर्जिश करने के लिए वो आ, कुछ दिनों के लिए नहीं थी अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी सहूलियात उनको दोबारा मैसर कर दी गई हैं और आ, आ, मुझे उम्मीद है कि जैसे वो अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज रेजिम में वापस आएंगे तो ये जो मसल टोन का थोड़ा सा मसला है ये भी इन ठीक हो जाएगा और इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई नुकसान या कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है आज मेरे साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या पिम्स इस्लामाबाद से भी एक टीम थी डॉक्टर्स की उनमें एक कान नाक और गले के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने जो कान की तकलीफ है आ, उसके लिए कुछ दवाई तजवीज़ की मैंने भी मेरा भी ख्याल था कि वो बिल्कुल सही दवाई होगी इस कंडीशन के लिए तो वो हमने रेकमेंड की है कि उनकी दवाई बदल के कान की तकलीफ़ के लिए कुछ नई दवाई शुरू की जाए क्योंकि जेल में धूप और ताज़ा हवा की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जारी बातें कुछ कम होती हैं तो मैंने ये भी रेकमेंड किया है कि खान साहब रोज़ाना एक कैल्शियम और विटामिन डी की गोली खाएं ताकि इसके लिए ज़रा हम कॉम्पनसेट कर सकें आज मेरी मौजूदगी में ही उनके खान साहब के कुछ खून के टेस्ट भी लिए गए और वो सैंपल्स पिम्स में भेजे गए उनकी रिपोर्ट्स में कोई ऐसी परेशानी की बात बिल्कुल नहीं आई बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक हैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जो है जो खून में चिकनाई का एक मेजर होता है वो थोड़ी सी बड़ी हुई थी ये पहले भी अक्सर खान साहब की थोड़ी सी बड़ी हुई होती है उसके लिए हमने दवाई दी हुई है उनको लेकिन अब ये रिपोर्ट देख के तो मैं कुछ रिकमेंडेशन करूँगा कि उस दवाई का डोज़ थोड़ा सा बढ़ाया जाए और वो ज़्यादा बाकायदगी से दी जाए इसके अलावा और कोई फ़िलहाल हमारी रिकमेंडेशनस नहीं हैं बहुत ज़रूरी है कि खान साहब के अपने जो डॉक्टर्स हैं जो उनकी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं पिछले 25 से 30 साल से यानी कि मैं खुद और डॉक्टर फैसल सुल्तान आ, के हमें बाकायदगी से आ, मौका दिया जाए कि हम उनको विज़िट कर सकें रेगुलरली ताकि हम उनकी जो जो सेहत के बारे में कोई क्वेश्चन अगर हों या खास्ता उनकी कभी तबीयत खराब हो तो हम फ़ौर देख सकें और क्योंकि हम पहले से जानते हैं उनकी कंडीशंस वगैरह के बारे में तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमें रेगुलर एक्सेस दिया जाए ताकि हम ये कंटिन्यू कर सकें और हम दोनों उम्मीद करते हैं कि इन आइंदा भी इसी तरह हम बाकायदगी से खान साहब को देख सकेंगे और उनका मुआयना कर सकेंगे शुक्रिया